हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5th लेक्चर में मैंने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कराई थी और उसमें एक रिएक्शंस कराई थी एडिशन रिएक्शंस, और एडिशन रिएक्शंस में मैंने 5 रिएक्शंस कराई थी अगर आपको याद हो तो। एडिशन विद वाटर, एडिशन विद HCN, एडिशन विद NaHSO3, एडिशन विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स एंड एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये 5 रिएक्शंस मैंने कराई थी, तो आज इन्हीं रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे और अपना केमिकल रिएक्शंस के लेक्चर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका था केमिकल रिएक्शंस का, आज सेकंड है, तो इसमें एक लेक्चर हो रहेगा। जब 3 लेक्चर में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन एक रिएक्शन के बहुत सारे पार्ट हैं। तो आज एक ही रिएक्शन हो पाई ही, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो चलिए करते हैं। तो कल मैंने क्या कराया था आपको, आपको याद होगा, कल मैंने कराया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इसमें फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर दी मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इस एक ही रिएक्शन के मैंने 5 रिएक्शंस कराई थी। कौन कौन सी थी वे 5 रिएक्शन? नंबर 1, एडिशन विद वाटर, डायोल्स आर फॉर्म्ड, नंबर 2, एडिशन विद HCN, साइनोहाइड्राइन्स आर फॉर्म्ड, नंबर 3, एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइट, सो एडिशन प्रोडक्ट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइट्स आर फॉर्म्ड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये 5 मैंने रिएक्शंस कराई थी कल। एडिशन ऑफ वाटर में डाइओल है प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ HCN में साइनोहाइड्राइन है, एडिशन ऑफ NaH में एडिशन प्रोडक्ट सोडियम बाइसल्फाइट्स आर फॉर्म्ड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, हेमी एसिटल्स, जब एक मोल के साथ ट्रीट करेंगे तो हेमी एसिटल्स बनेंगे, सेकेंड मोल के साथ कर दोगे तो एसिटल्स बनेंगे। तो ये होते हैं मोनो एल्कोक्सी कंपाउंड, ये होते हैं डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, और कीटोन के साथ बनेंगे कीटल्स। और कीटोन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन डाईहाइड्रिक के साथ रिएक्ट कर लेते हैं,
और साइक्लिक कीटल्स बनाते हैं, ये है डाइहाइड्रिक, इसका नाम है इथाइलीन ग्लाइकॉल। तो ये एक रिएक्शन करिए बस हमने ये वाली। अब आज करेंगे हम रिएक्शन नंबर 2। होले होले हो जाएगा प्यार बलिए, होले होले हो जाएगा प्यार। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन का दूसरा नाम ये है रिएक्शन विद या एडिशन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स या अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे या इसके डेरिवेटिव्स के साथ करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन कंपाउंड्स के जो नेम्स हैं वो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, आपको उन स्पेसिफिक नेम्स के कंपाउंड्स के नेम्स याद करने पड़ेंगे। अगर आपने नेम्स याद नहीं करे तो आप इन्हें कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक बार इसे नोट करो, आई थिंक एयरप्लेन मोड नहीं लगाया। अरे भाई चलो देखते हैं, नंबर 1। तो ये टोटल 7 रिएक्शन है। कौन कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन विद NH3, रिएक्शन विद NH3। नंबर 2 रिएक्शन विद RNH2 amines। नंबर 3 रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइंस। नंबर 4 रिएक्शन विद हाइड्रोजाइंस। नंबर 5 रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजाइन। नंबर सिक्स रिएक्शन विद 2,4-DNP एंड नंबर 7 लास्ट रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। तो ये हैं हमारे 7 रिएक्शंस इसके अंदर। अब इनके प्रोडक्ट भी याद कर लो, फिर साथ के साथ बताता रहूंगा। तो एमाइन का जो प्रोडक्ट है वो है, एमाइन का प्रोडक्ट है इमाइन, सॉरी NH3 का जो प्रोडक्ट है अमोनिया का इमाइन, इसका जो प्रोडक्ट है शिफ्ट बेस। इसका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है ऑक्साइन। हाइड्रोजन का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है हाइड्रेजोन। फिनाइल हाइड्रोजन का प्रोडक्ट है फिनाइल हाइड्रेजोन। टू फोर डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजाइन है यहां पर, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट है वही 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। इसका प्रोडक्ट है सेमी कार्बेजोन।
तो ये है 7 रिएक्शंस जो आज हमें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन की जनरल इक्वेशन से, चलिए पहले करते हैं इसकी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन तो होता क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, ये हो सकता है मे बी एल्डिहाइड और ये हो सकता है कीटोन। अब इसकी जब रिएक्शन आप करोगे अमोनिया से या अमोनिया के डेरिवेटिव से, तो अमोनिया डेरिवेटिव को लिख देता हूं मैं NH2Z। देखो अमोनिया क्या होता है, NH3। अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और कोई भी ग्रुप जोड़ दो, वो ग्रुप मैं जेड मान रहा हूं, तो जेड कोई भी ग्रुप है, तो ये बन जाएगा अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स, और ये रिएक्शन होती है एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि अमोनिया और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं ये है वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन की जो स्पीड है वो होती है बहुत ज़्यादा स्लो, तो उसे फास्ट करने के लिए यहाँ पर हम एसिड डालेंगे थोड़ा सा। तो अब यहाँ से ऑक्सीजन और H2 बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का हो जाएगा एलिमिनेशन, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट है और वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन एलिमिनेशन भी है। तो ये है जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई। जो रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो उनके लिए आप क्या काम करें करो, मैकेनिज्म समझ लिया करो एक बार, मैकेनिज्म समझ बेसिक से आप उसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस मत किया करो। जैसे कि जिनके मैकेनिज्म एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता ही हूँ। जैसे इथीन का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर्स, तो इसका मैकेनिज्म तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं एग्जाम में इस वाले प्रोडक्ट की। तो इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है इसका, फिर इसके बाद रिएक्शंस करा देता हूँ, फटाफट रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे सारी। तो मैकेनिज्म देखो इसका क्या है मैकेनिज्म, तो सपोज करो मेरे पास ये है एल्डिहाइड या कीटोन, तो तुम्हें पता है वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो पहले मैं इसमें एसिड मिला देता हूँ, तो ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा इस पर, तो क्या आ जाएगा OH। अब ये स्टेबलाइज होगा बाय रेजोनेंस, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल। तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट रिएक्टेंट। अब इस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, इस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो अब मेरे पास है ये न्यूक्लियोफाइल NH3, या एक काम कर लेते हैं NH2Z ले लेता हूँ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे क्या आ जाएगा OH, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने, H Z। अब कौन ज्यादा, यहाँ से प्रोटोन ऐड करा था हमने, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में एसिड कैटलिस्ट है, तो इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ बाहर, क्या बचेगा C, OH, N, यहाँ पे Z आएगा, H+ तो बाहर और ये न्यूट्रल भी हो गया H Z, ठीक है। अब फिर ये स्टेबलाइज होगा, यहाँ से होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ से रिमूवल होगा प्रोटॉन, तो
OH माइनस और H प्लस H2O बाहर, ये हो गया रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ यहाँ पर? इस वाले वाटर मॉलिक्यूल का, इसकी प्रेजेंस में हुई थी, तो यहाँ पर ये डीप्रोटोनेशन हुआ। पहले प्रोटोनेशन हुआ फिर डीप्रोटोनेशन इक्वल, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, बचा क्या? प्रोडक्ट। अब आप समझ गए होगे, देखो ये रहा प्रोडक्ट, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जेड। अब करते हैं सारी रिएक्शन वन बाय वन। तो रिएक्शन नंबर वन, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद NH3। तो प्रोडक्ट का नाम याद रखना, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। तो इमाइंस आर फॉर्म्ड, इमाइंस आर फॉर्म्ड, बस इतना याद रखने की जरूरत है। तो ए का मतलब एल्डिहाइड से रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों यह फॉर्मेल्डिहाइड, इमाइंस क्या होता है वो, अमोनिया क्या होता है NH3। तो NH3 को ऐसे लिख दूं, NH2H, NH3 हुआ ना, Z बना दिया मैंने इसको, तो ये O और H2O, तो ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहां पर डबल बोन नाइट्रोजन और H, तो इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर सिमिलर है, देखो H डबल बोन नाइट्रोजन, Z की जगह क्या है H प्लस H2O, इसका नाम है इमाइन फॉर्मेल्डिहाइड, इमाइन, या दिस इज द इमाइन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द इमाइन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसी की ही रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड की ही, ये है CH3CHO, और इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दो, तो जब इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओगे क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 एसिड के प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में होती है H डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। बी कीटोन से करा दो रिएक्शन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH2H क्या बन जाएगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NH प्लस H2। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड और इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड इमाइन, एंड दिस इज एसीटोन और इसका नाम है एसीटोन इमाइन। इमाइन लगा देंगे बस नेम के आगे, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गई, अभी एक रिएक्शन हुई है रिएक्शन विद NH3, एक रिएक्शन कंप्लीट। रिएक्शन नंबर टू कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों? याद करो, रिएक्शन विद एमाइंस, एमाइंस होते हैं आपके RNH2। चलो अच्छा, इसे नोट कर लो पहले एक बार, कभी बोलो टाइम नहीं दिया। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है? शिफ बेस। शिफ बेस आर फॉर्म्ड, तो शिफ बेस बनेंगे इसमें। तो करते हैं बेटा, देखो H A पहले एल्डिहाइड वाली करा रहा हूं, C डबल बॉन्ड O H प्लस, इसको लिख दूं मैं NH2 और R की जगह ले लेता हूं CH3।
तो ये बच जाएगा आपका एच एच डबल बोन एन सी एस थ्री। ये शिप बेस है फॉर्मेल्डिहाइड का, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस इज द शिप बेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड और जो ये प्रोडक्ट है दिस इज शिफ्ट बेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अब आपको सारी समझ में आने लगी होंगी कैसे कर रहा हूं मैं। ये क्या है एसीटोन, एसीटोन की रिएक्शन मिथाइलामाइन से, दिस इज एसीटोन शिफ बेस ऑफ एसीटोन। तो दो रिएक्शन हो गई हमारी, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन नंबर थर्ड, रिएक्शन नंबर थर्ड कौन सी है, रिएक्शन विद हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन क्या होता है, NH2। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब आंसर क्या लिखोगे, हाइड्राजोन्स आर फॉर्म्ड। हाइड्राजोन जाइन का कर दो, हाइड्राजोन्स आर फॉर्म, तो प्रोडक्ट का नाम है हाइड्राजोन। ए एच सी एच ओ प्लस हाइड्रोक्सिल एमाइन रह गई यार, थर्ड पे हाइड्रोक्सिल एमाइन करेंगे पहले। हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन होता है NH2OH और प्रोडक्ट का नाम होता है ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड NH2OH, तो H2O क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। इसका नाम बता सकते हो, इसको बोलोगे आप फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइम, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, इसमें बताओ ये एसिटाल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम। दिस इज एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम। ये कीटोन से करा दी मैंने, दिस इज एसीटोन और एसीटोन के रिएक्शन कराऊंगा मैं हाइड्रोक्सिल एमाइन से, तो प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन ऑक्साइम, एसीटोन ऑक्साइम। तो तीन रिएक्शन हो गए हमारी, नंबर वन NH3 से रिएक्शन करा दी, नंबर टू एल्काइल एमाइन से रिएक्शन करा दी, नंबर थ्री हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन करा दी। अभी चार और हैं, चलो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं नंबर फोर। नंबर फोर रिएक्शन विद हाइड्राजाइन, रिएक्शन विद हाइड्राजाइन। तो हाइड्राजाइन क्या है बेटा, हाइड्राजाइन होता है NH2, तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, हाइड्राजोन्स आर फॉर्म्ड, हाइड्राजोन्स आर फॉर्म्ड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये है ए मतलब एल्डिहाइड वाली रिएक्शन, और एल्डिहाइड की दो कराता हूं मैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड की और एक एसिटाल्डिहाइड की। तो हाइड्राजाइन क्या होता है, NH2
NH2, O और H2 एसिड के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा बेटा प्रोडक्ट, हाइड्रोजन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको बोल देते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर टू, इसी में ही NH2 दिस इज द एसिटाइल्डिहाइड हाइड्रोजोन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है एसिटाइल्डिहाइड, प्रोडक्ट का नाम क्या है एसिटाइल्डिहाइड हाइड्रोजोन। एसीटोन से करो CH3, ये है B CO CH3 प्लस NH2 ये है एसीटोन हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजोन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन हाइड्रोजोन, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजोन किससे बनता है, हाइड्रोजाइन से, तो हाइड्रोजाइन से रिएक्शन करा देना, तो ये जो बनेगी स्ट्रक्चर ये है एसीटोन हाइड्रोजोन। चार हो गई। नंबर पांच, नंबर फाइव, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजाइन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजाइन। तो हाइड्रोजाइन क्या होता है NH2, तो फिनाइल और ऐड कर दो इसमें, एक एच को रिप्लेस कर दो, तो ये है फिनाइल हाइड्रोजाइन। तो आंसर क्या बन जाएगा भाई, तो आंसर बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन्स आर फॉर्म्ड, फिनाइल हाइड्रोजोन्स आर फॉर्म्ड, बस फिनाइल हाइड्रोजोन कर देना, HA C डबल बॉन्ड OH, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कर दो फिनाइल हाइड्रोजाइन से। इस फिनाइल ग्रुप को मैं ऐसे लिख दूं C6H5, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं बना भी सकता हूं, तो शॉर्ट हो जाएगा, बार बार स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, NH C6H5 प्लस H2O। तो ये है फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। कराओ इसके बाद CH3 CO CH3 OH प्लस NH2 NH2 NH और यह फिनाइल ग्रुप, यह फिनाइल हाइड्रोजाइन, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा CH3 CH double bond N NH C6H5 फिनाइल हाइड्रोजोन। ऑफ एसिटाइल्डिहाइड अब करेंगे हम कीटोन के साथ, ये है कीटोन मतलब एसीटोन, और इसकी रिएक्शन कर दो फिनाइल हाइड्रोजाइन से, बेटा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C CH3 double bond N NH और फिनाइल ग्रुप, फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन। नोट कर लो इन्हें तीनों रिएक्शंस को।
तो टोटल फाइव रिएक्शंस हो गई है ना। फाइव कौन कौन सी हो गई रिपीट करो एक बार मेरे साथ, मुझे तो याद ही नहीं है, मैं तो भूल गया। आप बताओगे NH3 के साथ करा दी, इमाइन बनाया था, NH2CH3 के साथ करा दी, एमाइंस के साथ, शिफ्ट बेस और उसके बाद हाइड्रोक्सिल एमाइन से करा दी, क्या बना था ऑक्साइम्स, उसके बाद हाइड्रेजाइन से करा दी, क्या बना था हाइड्रेजोन, और उसके बाद फिनाइल हाइड्रेजाइन से करा दी, ये बना फिनाइल हाइड्रेजोन। फिनाइल हाइड्रेजोन ये हो गए पांच रिएक्शन, ठीक है। सिक्स पे आ जाओ, रिएक्शन नंबर सिक्स, बहुत मजेदार रिएक्शन है। तो रिएक्शन विद टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजाइन, तो आंसर है इसका 2,4-dinitrophenylhydrazones आर फॉर्म्ड। और ये रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों, और इसमें जो कलर प्रोड्यूस होता है ऑरेंज कलर प्रोड्यूस होता है, रेड कलर प्रोड्यूस होता है, येलो कलर प्रोड्यूस होता है, मतलब ये एल्डिहाइड और दूसरे कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हो। आप सपोज करो मेरे को दे दिया एल्कोहल CH3CH2OH और दूसरा दे दिया मेरे को एल्डिहाइड के डिस्टिंग्विश करो, तो दोनों में 2,4-DNP हाइड्रेजाइन डाल दो और जिसमें रेड कलर रेड PPT बन जाए वो एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड है। समझ गया होगा आप मेरी बात। तो चलो करते हैं बेटा नंबर वन, नंबर वन ही ए HCHO+ फिनाइल सॉरी और ये है हमारा हाइड्रेजाइन ग्रुप, तो ये है फिनाइल हाइड्रेजाइन, तो 2 पे लगा दो नाइट्रो ग्रुप और 4 पे लगा दो नाइट्रो ग्रुप, तो 2,4-dinitro फिनाइल हाइड्रेजाइन H2O बाहर, बताओ क्या बचेगा। रिएक्शन हो रही है एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां बचेगा फॉर्मेल्डिहाइड 2,4-DNP फिनाइल हाइड्रेजोन NH 2,4-dinitrophenylhydrazone ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड का 2,4-DNP डेरिवेटिव है, 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। दो आप कंप्लीट करोगे, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं आपको कि कैसे बनानी है रिएक्शंस आपको। तो अब आप रिएक्शन कराओ एसिटाल्डिहाइड की इसके साथ और बी में कराओ एसीटोन की, ये दो रिएक्शन कंप्लीट करो। चलो तो भाई करते हैं NH2NH फिनाइल 2,4-dinitro। बाहर तो दिस इज द एसिटाल्डिहाइड फिनाइल 2,4-DNP हाइड्रेजोन, इसकी करो
तो इसके खड़ा हो गए NH2 NH NO2 NO2। बस यहाँ पे आ जाएगा एसीटोन, 2,4-DNP डेरिवेटिव है, तो एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजोन है इसका नाम। इसका नाम है एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजोन, एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजोन। 6 रिएक्शन हो गई एंड लास्ट वन रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड, नोट कर लो। हट जाऊं सामने से, कभी कहोगे नोट करने के लिए बोल के सामने खड़े हो गए, इसलिए मैं इधर उधर घूमता रहता हूं। तो दो रिएक्शन कंप्लीट हो गई आज, अब कुछ खास नहीं बचे रिएक्शंस, इनमें ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि ये दो रिएक्शन ही 7 इसकी और 5 इसके 12 रिएक्शन के बराबर हैं। टाइम तो उतना ही ले रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि टाइम ना कंज्यूम हो रहा हो इनमें। चलो लास्ट, रिएक्शन विद सेमी कार्बोजोन। तो सेमी कार्बोजोन का फॉर्मूला होता है NH2 NHCONH2। सेमी कार्बोजोन नहीं, सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजोन तो बनता है। तो आंसर इज सेमी कार्बोजाइड से बनेगा, सेमी कार्बोजोन्स आर फॉर्म्ड। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ एक चीज दिमाग में आ गई भाई, NH2 NHCONH2। तो मुझे बताओ मैं इस रिएक्शन में इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ NH2 CONH NH2। देखो NH2 इस साइड भी है और NH2 इस साइड भी है, 2 NH2 है इस कंपाउंड के अंदर, 2 NH2 ग्रुप्स। और आपको पता है एलिमिनेशन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का NH2 से ही होता है, तो अगर मैं सारे को जेड मानूं तो ये NH2 जेड हो जाएगा, और इस सारे को जेड मानूं जब भी NH2 जेड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कौन से NH2 से लेना है, दोनों से ले सकते हैं हम? नहीं, दोनों से नहीं ले सकते। तो इनमें से किससे लेंगे? उससे लेंगे जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस रिएक्शन को कराऊंगा ये रिएक्शन नहीं होगी, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है वो CO कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, और कार्बोनिल के साथ बॉन्डेड है तो मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं ना इसे, तो जब ही तो ये बॉन्डिंग करेगा तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, याद रखना। ओनली वन NH2 ग्रुप पार्टिसिपेट विच इज नॉट बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है? चलो लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, पहले इस रिएक्शन को करवा दूं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा HCH NNH CO NH2 + H2। नोट में लिख लो, although इट कंटेन although सेमी कार्बोजाइड कंटेन या इट कंटेन ऑल दो
इट कंटेन, इट का मतलब सेमी कार्बोजाइड, टू एनएच टू ग्रुप, बट ओनली वन एनएच टू ग्रुप इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कौन सा इन्वॉल्व होगा और कौन सा नहीं होगा? NH2 ग्रुप विच इज बॉन्डेड विद कार्बोनाइल ग्रुप डज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो बॉन्ड फॉर्मेशन किससे करी मैंने, जो NH2 ग्रुप NH के साथ बॉन्डेड है, ये वाला NH2 ग्रुप CO के साथ बॉन्डेड है, ये नहीं होगा इन्वॉल्व। तो NH2 NH CO NH2, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इसकी नहीं होगी, केवल इस वाले NH2 की होगी, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसकी होगी बस, ओनली वन की। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी तो एसिटाल्डिहाइड की कराएंगे, NH2 NH CO NH2, बस ये लास्ट सेक्शन करेंगे आज और कल करेंगे, एक दो लेक्चर से फालतू लग जाए, पर समझ में आना चाहिए। तो देखो समझ में आ रहा है, और बी इन्हें करोगे आप कंप्लीट, NH2 NH CO NH2, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड एन NH2, यहां NH2 कहां से आ गया भाई? तो ये हो गई हमारी रिएक्शंस, दो रिएक्शन करा दी मैंने, दोनों बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस करा दी मैंने आपको अभी बताता हूँ, एक बार नोट कर लो। हो गए नोट? चलो भाई, जब ये आपको मैंने रिएक्शन कराई हैं, ये दो ही रिएक्शन कराई हैं अभी तक, ओनली टू रिएक्शंस। कौन कौन से करा दी मैंने टू रिएक्शंस? एक तो रिएक्शन मैंने कराई है आपको नंबर वन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें पांच रिएक्शन कराई है टोटल मैंने, और दूसरी कराई है मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, इसमें कराई है मैंने सेवन। तो सेवन ये, फाइव ये, ट्वेल्व रिएक्शन करा दी। अब जो नेक्स्ट रिएक्शंस करेंगे हम, वो करेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, टोलन टेस्ट, फेलिन टेस्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट के बाद फेलिंग टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट के बाद मिक्स रिएक्शंस, वो काफ़ी सारी। तो इन्हें करते हैं हम कल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल हम करेंगे ये वाली रिएक्शंस, और होप सो कि कल ये पूरी फिनिश्ड हो जाए सारी की सारी रिएक्शन,
और उसके बाद इजी हो जाएगा चैप्टर। बस यही है थोड़ा सा लेंथी पोर्शन, लेक्चर नंबर 10 के बाद ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे ऐसे हैं कि बेंजाल्डिहाइड कराऊंगा तो एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा सारा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कराऊंगा, एरोमेटिक का भी और एलिफेटिक का एक एक लेक्चर में हो जाएगा। तो टोटल 4 लेक्चर 5 लेक्चर बाद के और 2-3 लेक्चर इसके 6-7 लेक्चर हो रहेंगे, 15 लेक्चर में चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे हम। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेहनत करते रहिए मेरे साथ, ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाकर रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।